पवन दंडोतिया आत्महत्या केस में तीन लोगों पर केस दर्ज करने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। किरार महासभा ने बुधवार को एसपी आशुतोष बागरी का घेराव कर समाज के एक युवक को इस केस में झूठा फंसाने के आरोप लगाए। इन पर एसपी ने कहा कि मैं हूं तब तक कोई अन्याय नहीं होगा। इस पर नाराज लोगों ने कहा कि यह केस आपके सामने ही दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि 19 जनवरी को सर्जनपुर गाँव निवासी युवा पवन दंडोतिया का शव बड़ोखर पॉलिटेक्निकल कॉलेज परिसर में पेड़ पर फांसी पर लटका मिला था। इस मामले में स्टेशन रोड थाने में करीब 15 दिन बाद तीन आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया। इन्हीं में एक आरोपी मोनू यादव को निर्दोष बताते हुए अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा की मुरैना इकाई ने बुधवार को एसपी आशुतोष बागरी का घेराव कर दिया। किरार महासभा के पदाधिकारी सोने राम यादव, नारायण सिंह, रामराज सिंह यादव, रामोतर सिंह, अनूप सिंह यादव, राजपाल सिंह राजपूत, दीवान सिंह, हरिओम सिंह यादव आदि ने एसपी को आवेदन देकर कहा कि इस मामले में मोनू यादव को झूठा फंसाया गया है। पुलिस ने 15 दिन बाद जांच के बाद मामला दर्ज किया है, फिर भी मोनू को जबरन आरोपी बना दिया गया है। किरार क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन देकर कहा कि पवन दंडोतिया व मोनू यादव की कॉल डिटेल निकाली जाए, पीएम रिपोर्ट व अन्य बिंदुओं की जांच किसी वरिष्ठ अफसर से कराई जाए। समाज के लोगों ने कहा कि यह जांच मुरैना सीएसपी की बजाय किसी और एसडीओपी पर करवा लीजिए। एसपी ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की यह रिपोर्ट।